नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ तिवारी। स्वागत का आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। LLB 3 years 5 years कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स अनाउंस हुए हैं और हम लगातार बात कर रहे हैं आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB 5 years कोर्स में, ऑनर्स कोर्स में, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर का, उस पेपर की बात करने वाले हैं हम लोग। तो आपके लिए जो पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट होने वाले टॉपिक्स हैं उनकी बात शुरू करें। आपका जो पूरा सिलेबस है वो कुछ बाहर के और कुछ अपने लोगों के सिद्धांतों पर आधारित है जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। स्टेट के उत्पत्ति से लेकर के सिटीजनशिप की थ्योरी को लेकर के, और जनरल विल के सवाल हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की का सवाल है, कैसे एक राजतंत्र में, कैसे लोकतंत्र में, राजतंत्र में राजा को कैसे होना चाहिए, लोकतंत्र में शासक को कैसे होना चाहिए, कैसे एक मॉडर्न स्टेट डेवलप किया जा सकता है, और किस प्रकार से लोकतंत्र में या राजतंत्र में लोगों का और शासक के बीच का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए, इस पर जो बहुत सारे विचारकों ने अपनी बात करी है, पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस आपका उसी के इर्द गिर्द है। सबसे पहले सवाल की अगर हम बात करें तो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो प्लेटो ने जो भी थ्योरीज दी हैं, आइडियल स्टेट की थ्योरी दी उन्होंने, जस्टिस के बारे में बताया, तो प्लेटो की जो थ्योरी आइडियल स्टेट की उसको एक्सप्लेन करिए, या जो उनकी जस्टिस की थ्योरी है उसमें ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत बार पूछा गया है, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस और थ्योरी जो उनकी आइडियल स्टेट की है प्लेटो की, वो आपको कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है। आपके लिए पहला सवाल जो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो एरिस्टोटल के बारे में है कि पहली चीज़ तो कि उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल थॉट कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, ऐसी कौन सी किताब उन्होंने लिखी, ऐसा क्या बड़ा ग्रंथ की रचना उन्होंने करी जो उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल थॉट कहा जाता है, और एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी सिटीजनशिप की, और उसके साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट को क्लासीफाई किया, स्टेट को क्लासीफाई किया, तो जो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है और उनका जो ये स्टेट को और गवर्नमेंट को क्लासीफाई करना है, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लेटो और एरिस्टोटल की जो दोनों की थ्योरी आपके लिए महत्वपूर्ण है। थॉमस हॉब्स की बात कर लें, थॉमस हॉब्स ने एक सिद्धांत दिया एब्सोल्यूट मोनार्की का, और उनको बोला जाता है वो फादर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की भी कहा जाता है उनको। तो एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या है, मोनार्की का मतलब क्या है और एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या है, थॉमस हॉब्स के अनुसार, टी हॉब्स लिखा हुआ पाएंगे आप, लेवियाथन आपने सुना होगा ना, वो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रूसो का जो जनरल विल का कंसेप्ट है, रूसो का पॉपुलर सॉवरेंटी का एक कंसेप्ट है, संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी का मतलब संप्रभुता से है, तो रूसो के जनरल विल पर ऐसे लिखने के लिए सवाल आपसे पूछा जा सकता है, रूसो के पॉपुलर सॉवरेंटी को लेकर के आपसे सवाल पूछा जा सकता है, दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके लिए कार्ल मार्क्स बहुत ज़रूरी है। कार्ल मार्क्स का जो क्लास स्ट्रगल वाला सवाल है, जो वर्ग संघर्ष की उन्होंने बात करी कि कैसे दो वर्ग हैं, पूंजीवादी है, पूंजीपति है, और एक सर्वहारा वर्ग है, श्रमिक तबका है, तो उनके बीच में जो क्लास स्ट्रगल की संभावना है, कैसे वो संभावनाओं को देखते थे, कैसे क्लास स्ट्रगल की बात उन्होंने समझी, और कार्ल मार्क्स की एक और थ्योरी है क्लास स्ट्रगल सरप्लस वैल्यू की, तो सरप्लस वैल्यू की थ्योरी और ये क्लास स्ट्रगल की थ्योरी, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ के आइएगा, कार्ल मार्क्स की किताब के बारे में उनके थोड़े से विचार को देखिए। गांधी जी का जो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट है, जो रामराज की वो बात करते थे, पॉपुलर रामराज जो आज का मीडिया का दिया हुआ है वैसा नहीं, जो गांधीयन आइडियल स्टेट था, जो गांधी जी एक आदर्श राज्य की जो संकल्पना उनकी थी, उस राज्य में वो क्या सोचते थे, उस राज्य में वो क्या चाहते थे, क्या होना चाहिए क्या नहीं, उसकी बात, और उनके जो गांधी जी के जो सत्याग्रह पर व्यूज थे, गांधी के जो अहिंसा पर जो व्यूज थे और रिलीजन पर जो व्यूज थे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी का जब आप आइडियल स्टेट पढ़ते हैं तो उस आइडियल स्टेट में उन्होंने अहिंसा की बात करी है, और जो रिलीजन पर अपने थॉट्स दिए हैं, सत्याग्रह पर जो उन्होंने बात करी है, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यही सत्याग्रह, अहिंसा और जो रिलीजन के उनके व्यूज को आप लेकर के आइएगा तो आप पाइएगा कि गांधी जी का आइडियल स्टेट ऐसे बनेगा। उसके बाद आपके लिए मनु का जो राजधर्म का सिद्धांत है और जो उनकी डिवाइन किंगशिप की थ्योरी है, डिवाइन किंग का जो फंक्शंस है, और उसकी 6-fold पॉलिसी थी मनुस्मृति में, 6-fold मतलब 6 भागों की पॉलिसी थी, नीति थी मनु के राजधर्म की, तो मनु का राजधर्म आपको कायदे से पढ़ने की जरूरत है। मनु का राजधर्म हो गया, गांधी जी के बारे में हो गया। कौटिल्य में आपके, कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था बताई, तो कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था और कौटिल्य के द्वारा दी गई सप्तांग थ्योरी, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ करके आइएगा। बचता है मैकियावेली का सिद्धांत, तो जो मैकियावेली की थ्योरी है, स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी है,
तो मैकियावेली की स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी को भी पढ़ने की ज़रूरत है, और साथ में इनकी जो ये रिलीजन और मॉरलिटी पर जो उनके व्यूज़ हैं, जो धर्म पर और नैतिकता पर मैकियावेली के सिद्धांत हैं, जो धर्म पर और नैतिकता पर मैकियावेली ने कहा है, उसको कायदे से पढ़िएगा, और मैकियावेली की स्टेट क्राफ्ट थ्योरी को भी कायदे से पढ़िएगा। जॉन लॉक को लिबरल डेमोक्रेसी का जो फादर है, वो उनको क्यों ऐसा कंसीडर किया जाता है, क्या उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी के फील्ड में काम किया था। जेएस मिल को कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी के लिए जाना जाता है, और जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। दोनों में से आप एक कोई पढ़ सकते हैं, एक को छोड़ भी सकते हैं, सब हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के आपको प्लेटो, अरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स, रूसो, गांधी, मनु, कौटिल्य, मैकियावेली, जॉन लॉक और जेएस मिल, मुझे तो लगता है 10 सवाल आपके कुछ इसमें बहुत गेस करने की या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 आपके पास विचारक हैं, और 10 विचारकों के आपके पास अलग अलग सिद्धांत हैं। बहुत हौच-पौच हो जाता है जब आप प्लेटो को पढ़ करके, आधा पढ़ करके फिर आप अरिस्टोटल को पढ़ना शुरू कर देते हैं बिना प्लेटो को लिखे हुए। तो प्रयास ये करिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप प्लेटो को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उनको देखिए कहाँ पर वो जन्मे थे, उनकी थ्योरी का नाम क्या था, उनकी थ्योरी के बाद उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, उनका प्रभाव कहाँ पर था, उस एरिया को भी डिनोट करिए कि उनका प्रभाव कहाँ पर था। उसके बाद उनकी थ्योरी को और आगे एक्सप्लेन करिएगा। ऐसे करके आप एक चार्ट बना लीजिए, नहीं तो प्लेटो की किताब और प्लेटो के सिद्धांत को आप अरिस्टोटल के सिद्धांत में, और मैकियावेली के सिद्धांत को आप जेएस मिल में, जेएस मिल के थॉमस हॉब्स में, बहुत वो थोड़ा सा समस्या हो जाती है। तो समस्या से बचने का सिद्धांत यही है, निजात पाने का तरीका यही है कि आप प्रयास ये करिए कि जो भी आप विचारक को पढ़ रहे हैं, आप प्लेटो को पढ़ रहे हैं, तो आप प्लेटो को 5-7 पॉइंट्स में उनके बारे में, और सारे के पैरामीटर्स वही हैं, आप प्लेटो के लिए भी उसी कॉलम्स में लिखो, गांधी जी के लिए भी उसी कॉलम्स में लिखो, रूसो के लिए, कार्ल मार्क्स के लिए भी उसी कॉलम में लिखो। उसी कॉलम से मेरा मतलब ये है कि आप उनको 5-7 पॉइंट्स में डिवाइड कर लो कि मुझे कैसे बांटना है। सबसे पहले उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उन्होंने किताबें कौन सी लिखी, उन्होंने थ्योरी कौन सी दी, वो किसी से प्रभावित थे क्या। जैसे प्लेटो को जब आप पढ़ेंगे और अरिस्टोटल को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे गुरु शिष्य होने के नाते उन लोगों का एक दूसरे पर थोड़ा सा प्रभाव था, या कहिए उनके बताए हुए विचारों में, उनके द्वारा प्रतिपादित विचारों में, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों में एक थोड़ी सी दिखावट है पहले वाले उनके गुरु की या उनके शिष्य की, मतलब उनके शिष्य की उनके गुरु में, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और आप इनका जब आप ये पढ़ रहे हो, तो भविष्य के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आप उनका थोड़ा सा गूगल वगैरह करके, आप उनका जो टाइम रहा है, जो उनका समय रहा है, जो उनके प्रभाव का समय रहा है, वो जरूर लिखिए। प्लेटो के बारे में ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि कब से कब तक का इनका समय रहा, और इनका जो मतलब बोलें ये बहुत चर्चा में कब रहे, उफान पर कब रहे कह सकते हैं। इस प्रकार से आप पढ़ाई करिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपका रिजल्ट आया होगा, और चूंकि आपसे बात करना भी इसलिए ज़रूरी बन जाता है क्योंकि आपका रिजल्ट आया है, और बहुत सारे लोगों के मन में ढेर सारे सवाल होंगे कि मैंने ऐसे लिखा था, वैसे लिखा था, नंबर्स नहीं आए या नंबर बहुत अच्छे आए। जिन लोगों के नंबर बहुत अच्छे आए, जिनके मन में कोई सवाल नहीं है, वो वैसे ही कंटिन्यू करें। बाकी जिन लोगों के नंबर्स में थोड़ी सी कमी है, गिरावट है, जिनको लगता है कि नंबर आपके कम आए हैं, तो अगर आपको उसका अंदाज़ा हो चुका है तो बेहतर है। अंदाज़ा नहीं हुआ है तो ये मानकर चलिए कि कॉपी के पेजेस भरना ही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो स्नातक का सिलेबस है, वो आपके आर्ट्स का सिलेबस है। तो थोड़ा बहुत तो चलिए ठीक है, आप प्लेटो को डिस्क्राइब कर रहे थे, प्लेटो की थ्योरी आप आइडियल स्टेट को लिखते लिखते आपने थोड़ा सा उसके जस्टिस के थ्योरी को लिख दिया, ठीक है चलेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर आपके कट जाएंगे। लेकिन अब आप प्लेटो की थ्योरी आप आइडियल स्टेट पढ़ करके आए हैं, और उस आइडियल स्टेट की थ्योरी को पढ़ने के बाद आप सीधे आप जस्टिस की थ्योरी लिखने लग जाएंगे, तो वो वहाँ पर नुकसान हो जाएगा आपका। तो उस नुकसान से बचने के लिए प्रयास ये करिए कि जो आपसे पूछा गया है, जो टॉपिक आपसे पूछा गया है, बस अपने जवाब को उसी के अंदर रखने का प्रयास करिए। बहुत पेजेस भरने से, किसी ने भी कहा हो आपसे, आपके सीनियर ने कहा, आपके साथी ने कहा हो कि मुझे तो पेजेस भरने से नंबर मिल गए, ऐसा नहीं है, नंबर वैसे नहीं मिलेंगे, नंबर आप जब लिखेंगे उस विषय को लिखेंगे जो आपसे पूछा गया है तभी मिलेंगे। सवाल अगर पार्ट में डिवाइड है, मैं बार बार कहता हूँ, आपके सीनियर से भी कहता रहा हूँ, आपसे भी कहूँगा कि सवाल अगर पार्ट्स में डिवाइड है तो आप उन सारे पार्ट्स पर बराबर मेहनत करिए। जैसे मनु का सवाल मान लीजिए आए, और मनु के राजधर्म के बारे में पूछा गया है, और उसके बाद थ्योरी ऑफ डिवाइन किंग से पूछा गया, मींस ये सवाल अब दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो आप मनु के राजधर्म पर जितना लिखिए, मान लीजिए आप दो पेज में लिख रहे हैं, तो प्रयास करिए कि दो पेज आप थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप पर भी लिखिए। आप पूरे के पूरे चार पेज आप राजधर्म को दिए दे रहे हैं,
या कौटिल्य का सवाल है, तो सप्तांग थ्योरी और गुप्तचर व्यवस्था दो पार्ट में वो डिवाइड है। आप पूरे का पूरा चार पेज केवल सप्तांग थ्योरी को दिए दे रहे हैं, गुप्तचर व्यवस्था पर आधा पेज लिख रहे हैं, तो नंबर मिलने नहीं, नंबर वहाँ पर कटेंगे। तो प्रयास ये करिए कि सवाल अगर दो हिस्से में डिवाइड किया गया है तो दोनों हिस्सों पर बराबर मेहनत आपकी कॉपी में एग्जामिनर को दिखनी चाहिए, ताकि उसको ये चीज़ समझ में आए कि आपने सप्तांग थ्योरी के बारे में भी जानकारी रखी थी, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी जानकारी रखी थी और आपने लिखा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका पहला पेपर शायद पॉलिटिकल साइंस का है, जो आपका अगला पेपर है उसको लेकर के जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।